अगर हम बात करेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 में टिश्यू के अंदर टॉपिक बोन का, तो हम कहेंगे कि यह बोन जो ह्यूमन बॉडी के स्केलेटल सिस्टम के फॉर्मेशंस करने में इन्वॉल्व होते हैं। हम कहेंगे कि स्केलेटल सिस्टम्स जो ह्यूमन बॉडी के जो स्केलेटल सिस्टम्स वह रिजिड एंड हार्ड होते हैं या फिर मेंटेनेबल होते हैं, वह बोन की सहायता से होते हैं। यह बोन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है, किसके अंदर? तो हमारे इस ह्यूमन बॉडीज के अंदर। बोन के कारण ह्यूमन बॉडीज होते हैं, मीन्स डैट कहेंगे कि ह्यूमन बींग का बोन जो होते हैं ह्यूमन बींग्स का, वह सॉलिड फॉर्म में होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं और यह नॉन फ्लेक्जेबल टिश्यू हैं। यह बोन जो नॉन फ्लेक्जेबल टिश्यू बिना लचीलापन के, यह टिश्यू पार्ट्स हैं बोन जो हम कहेंगे कि नेचर में लिविंग सेल्स होते हैं, और यह बोन जो हमारे बॉडी के ही फ्लूडी मटेरियल्स यानी जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर यह एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए हैं, होते हैं, इंटरनली रूप में प्रेजेंट होते हैं। हम कहेंगे कि इसके अलावा यह बोन जो होते हैं, जिसमें कहेंगे कि यह बोन जो कनेक्टेड जो होते हैं वह हमारे ब्लड वेसल से भी होते हैं और ये हमारे नर्व से भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। मीन्स डैट जो नर्व्स यानी नर्व फाइबर्स जो बोन से कनेक्टेड होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के कॉन्शस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म एंड रेगुलेट कराने का जो काम करते हैं वह हमारे नर्व्स की सहायता से करते हैं, और यह नर्व्स जो बोन से अटैच होते हैं या फिर बोन जो हमारे ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं, मीन्स डैट कहेंगे कि ब्लड वेसल से जो ब्लड का फॉर्मेशंस होते हैं वह हमारे बोन से होके जो गुजरते हैं, मीन्स डैट उसको भी रेगुलेट करने का काम कराते जो हैं, वह हमारे उस तरह के फ्लूडी मटेरियल्स को कंट्रोल एंड रेगुलेट कराने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले बोन होते हैं। हम कहेंगे कि बोन के जो फ्लूडी मटेरियल्स जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें वाटर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स डैट बोन मैट्रिक्स जो वाटर्स को रखता है, और बोन मैट्रिक्स जो वाटर जो रखता है वह कितना परसेंटेज रखता है? तो 10 to 20%। मीन्स डैट कहेंगे कि बोन में जो लिक्विड और फ्लूडी मटेरियल्स के जो रूप में जो वाटर प्रेजेंट रहते हैं उनमें उनका कंसंट्रेशन लेवल 10 to 20% तक होते हैं। बोन में ऑर्गेनिक मटेरियल्स का परसेंटेज 24 to 36% तक होते हैं, और बोन में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो परसेंटेज के रूप में 48 to 63% रखते हैं। बोन में जो कहेंगे कि फ्लूडी और लिक्विड मटेरियल्स जो मैट्रिक्स कहलाते हैं वह लेयर्स का फॉर्मेशंस करने का काम करते हैं या फिर लैमला का फॉर्मेशंस करने का काम करते हैं। मीन्स डैट हम कहेंगे कि लेयर का या फिर लैमला का फॉर्मेशंस होना यानी लिक्विड फ्लूडी सब्सटेंस मैट्रिक्स की सहायता से बोन में होना जो कम्प्लीटली भी डिपेंडेबल हमारे इनऑर्गेनिक टाइप के कंपोनेंट्स या फिर इनऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड्स पे होते हैं, और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज ए कैल्शियम और फॉस्फोरस के फॉर्म में होते हैं, और यह कैल्शियम और फॉस्फोरस जो कम्प्लीटली बोन में हमारे प्रेजेंट होके बोन को रिजिड एंड हार्ड बनाने का काम करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि द बोन सेल्स विच आर ऑल्सो बी मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करेंगे कि यह बोन सेल्स जो ऑस्टियोब्लास्ट्स के नाम से जाने जाता है या फिर ऑस्टियोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो इम्बेडेड होते हैं, जो इंटरनली रूप में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स डैट वह कहाँ पे? तो एज अ कैल्सीफाइड मैट्रिक्स के साथ, मीन्स डैट कैल्शियम, जो कैल्शियम जो हमारे क्या रहेंगे, सॉल्युबलाइज रहेंगे, घुले हुए रहेंगे, तो हमारे किसके अंदर? दो बोन के लिक्विड और फ्लूडी मटेरियल्स यानी मैट्रिक्स के साथ में। मीन्स डैट कहेंगे कि यह कैल्शियम जो हमारे फ्लूडी सब्सटेंस मैट्रिक्स के साथ घुले होने के कारण यह कम्प्लीटली भी बोन को सॉलिड और रिजिड और स्ट्रॉन्ग बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेंगे। हम कहेंगे कि प्रत्येक बोन सेल जो होते हैं वह इनक्लोज जो होते हैं वह एक स्मॉल कैविटी के फॉर्म में होते हैं, और वो स्मॉल कैविटी जो लहसुनी के नाम से जाना जाता है, या लहसुनी में हम कहेंगे कि यह हमारा लहसुनी जो बोन के दो पार्ट्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको भी यह रिप्रेजेंट कराने का काम करते हैं। यह लहसुनी जो प्रेजेंट जो होते हैं वह बोन में वह कम्युनिकेट करने का काम करते हैं बोन के एक दूसरे पार्ट्स को, किसकी सहायता से? तो कैनाली सिवली की सहायता से। मीन्स डैट कैनाली सिवली जो बोन के एक दूसरे पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं, और वह बोन के एक दूसरे पार्ट्स को जो जोड़ने का काम करते हैं वह नेटवर्क और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स की सहायता से जोड़ते हैं जो नेटवर्क ऑफ फाइन कैनाल्स के नाम से जाने जाते हैं। हम कहेंगे कि बोन सेल जो होते हैं वह लहसुना मतलब बोन सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहने वाले जो स्पेस होते हैं
मीन्स डैट वो रिसीव जो करते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड्स को भी रिसीव करते हैं जब वो फूड मटेरियल्स चर्निंग और ब्रेकेज होने के बाद में कम्प्लीटली भी एब्जॉर्बेबल हो जाते हैं तब, या फिर वो ऑक्सीजन के भी कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन और रेगुलेट कराने का काम करता है। तो यह सभी को रेगुलेट कराने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का जो काम करते हैं वह कैनालिस्यूली कहलाते हैं। हम कहेंगे कि बोन में यह इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करेगा यह बोन जो इलिमिनेशन प्रोसेस के ही दौरान करेंगे, मीन्स डैट कहेंगे कि यह बोन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी इलिमिनेट करने का काम कराएंगे, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स का इलिमिनेशन जो बोन के भी सहायता से होते हैं। मीन्स डैट हम कहेंगे कि अगर हम मैमल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के रूप में उसके बोन का, तो हम कहेंगे कि मैमल्स के बोन में जो है वह हेवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, और यह हेवर्सियन सिस्टम जो सेंट्रल हेवर्सियन कैनाल के भी नाम से जाने जाते हैं, यह सेंट्रल हेवर्सियन कैनाल जो ब्लड को रखते हैं, लिम्फ वेसल्स को और नर्व्स को रखने का काम करते हैं। मीन्स डैट यह हेवर्सियन कैनाल्स जो इंटरकनेक्टेड जो होते हैं वह मेरा ट्रांसवर्स कैनाल से होते हैं, और यह ट्रांसवर्स कैनाल्स जो वोल्कमेंस कैनाल्स के नाम से जाने जाते हैं। यह सभी कैनाल्स जो होते हैं यह सभी कैनाल्स जो मेजर रूप में हम कहेंगे तो बोन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कंट्रोल एंड रेगुलेट और मेंटेनेंस कराने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि बोन के बीच का जो दो बोन के बीच के स्पेस जो बोन मैरो भी कहलाते हैं, या बोन मैरो जो फॉर्मेशंस जो करा होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से होते हैं, और हम कहेंगे या फील्स जो करता है वह सेंट्रल मैरो कैविटी और बोन्स जो फीलिंग जो होते हैं वह बोन्स के सेंट्रल मैरो कैविटी के द्वारा होते हैं। मैरो का मतलब होगा बीच के जो खांच कहते हैं, और हम कहेंगे कि वही दो बीच का खांच जो रेड बोन मैरो भी या फिर येलो बोन मैरो भी कहलाते हैं, और यह रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो जो कम्प्लीटली भी रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वह स्टेम सेल्स के फॉर्मेशंस के लिए होते हैं, और यह स्टेम सेल्स जो जब हेम ग्रुप यानी हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ते हैं तो यह हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कम्प्लीटली भी रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वह बॉडी के ही एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशंस होने में, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक बॉडी के स्ट्रक्चर से दूसरे बॉडी के स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन होने के साथ रेगुलेट होने में भी इन्वॉल्व होते हैं। हम बात करेंगे अगर बोन के फंक्शंस का, तो बोन जो रिजिड एंड हार्ड होते हैं मीन्स डैट इंडो स्केलेटन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स डैट बोन जो इंटरनली रूप में बॉडी के सर्फेस में प्रेजेंट होने के साथ साथ या बॉडी के एक इंटरनल सपोर्टिंग फ्रेमवर्क के रूप में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो बॉडी के पार्ट्स को इंटरनली फॉर्म में एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं एज ए स्केलेटन सिस्टम के अंदर।